नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस 02562 में नोटों से भरा बैग मिलने से हड़कंप मच गया। आरपीएफ ने मामले की जानकारी जीआरपी को दी और फिर इनकम टैक्स के अधिकारी को, जिन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। जी हाँ, आपको बता दें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में एक लवारिश बैग होने की सूचना आरपीएफ को मिली। सूचना मिलने पर आरपीएफ के जवान पहुंचे और चेक किया तो उसमें रुपए और जेवरात थे। आरपीएफ ने मामले की जानकारी स्टेशन डायरेक्टर को दी और उसके बाद बैग को जीआरपी को सौंप दिया। जीआरपी प्रभारी ने अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और उसके बाद आयकर विभाग को। बैग किसका है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। फिलहाल आयकर विभाग ने रुपए से भरे बैग को कब्जे में ले लिया है। डायरेक्टर स्टेशन ने बताया कि जांच जारी है। देखिए, बीती रात 3 बजे के आसपास स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस से एक अनक्लेम्ड अटैची सूटकेस लाल रंग का रिकवर हुआ और वो चूंकि अनक्लेम्ड था इसलिए उसे जो हमारी ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए जीआरपी आरपीएफ और कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा ज्वाइंटली उसे ओपन किया गया। ओपन करते ही जब उसमें पता चला कि कैश है तो ये इसको तुरंत हम लोगों ने जीआरपी को हैंडओवर कर दिया और जीआरपी द्वारा इनकम टैक्स को सूचित कर दिया गया है और बाकी कार्रवाई आगे की जाए। सर, क्या मिला है बैग में? इसमें रुपए थे। कितने थे सर? अभी हम लोगों ने काउंट नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने तुरंत उसको जीआरपी को हैंडओवर कर दिया है। ऐसे केसेस में हम जीआरपी को तुरंत हैंडओवर करते हैं, आगे कार्रवाई जीआरपी ही करते हैं।